ये देखो ये जा रहा है ना, ये एक ट्रैक जा रहा है यहाँ पे से, ये भाई इतना सही ट्रैक है ना, इसको देख के ऐसा मन कर रहा है साइकिल पे लेनी थी वहां से, यार कुछ भी पी जाना था। मजा आ जाता कसम से। वो पूरा जा रहा है एकदम सीधा बादलों के कोहरे के अंदर। अभी आतनी तो अभी हम आ चुके हैं काफी आगे भाई। ये गूगल मैप इतना निखट है ना भाई साहब, इसने हमें पता नहीं कहाँ कहाँ के रास्ता दिखा रहा था, रास्ता आगे जाके एंड। इसीलिए मैं साइकिलिंग करता हूँ, साइकिलिंग करने का ना अलग ही फील होता है यार। बस बात इतना है, अपना ग्रुप थोड़ा बड़ा नहीं है, होगा होगा वो भी एक दिन हो जाएगा बड़ा। आओ जी पहुंच चुके हैं मसूरी टोल पे। आज मैं तुम्हें टोल से बचने की निंजा टेक्निक दिखाता हूँ, ठीक है? जो भी मसूरी आएगा ये वाली निंजा टेक्निक अप्लाई करना गाइस, ठीक है? सामने है मंदिर और दिखाओ तुम्हें एक झलक, कसम से दिखा दूं। लाइक करो। अब देखो तुम ये पेड़ और ये। हेलो जी, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो भाई स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग वीडियो में। और आज है संडे, तो जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैंने कहा था कि संडे को अपना प्लान ऑन है। तो भाई एक दो दोस्तों को पूछा था, एक दो वो अपने साथ की, तो उनको थोड़ा काम है इधर उधर का, फिर मैंने कहा यार मुझे तो जाना है क्योंकि मेरे को तो व्लॉग बनाना है, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ अकेले फिलहाल। और फिर यहाँ से उठाऊँगा मैं भाई को, भाई से मिलाता हूँ आगे। प्रियांशु है जिसका बर्थडे था, तो उसको एक बर्थडे का गिफ्ट छोटा सा घुमा के आते हैं, तो मैं भी घूम लूँगा, वो मेरा व्लॉग भी बन जाएगा, वो भी घूम लेगा। तो निकलते हैं यहाँ से, टाइम अभी 7:30 हो गया और मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट के अंदर जाता हूँ सीधा मौसम के रूम पे, उसको लेके फिर निकलते हैं। और रास्ता नहीं पता प्रॉपर कि कहाँ जाना है, वो गूगल मैप से देखेंगे, अगर सही मिल गया तो, अगर गूगल मैप कहीं इधर उधर ना ले गया तो। और बाकी जाग आ रहे हैं, रुको जरा सबर करो, वैसे तो थंबनेल टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा, बट सरप्राइज थोड़ा सा अभी बताता हूँ, चलो लेट्स गो। हेलो जी, हेलो गाइस। तो भाई आ चुके हैं हम मोटो व्लॉगिंग पे और निकल चुके हैं घर से, टाइम लगभग लगभग 8 बज चुके हैं, ये दिख रहा होगा आपको स्पीड। ये मैं थोड़ा फन कर रहा था फन। और अभी सीन कुछ ऐसा है, प्रियांशु बैठा है मेरे पीछे और हिमांशु रो रहा था कि कल रात को सैड यार, वैसे मैं उसी को ले जाता हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं इस बार इसको लेके चलते हैं, उसका वैसे कल पेपर है मंडे को तो पढ़ाई करेगा वो, और इसका कुछ था नहीं अभी, ना पेपर था ना ट्यूशन है, तो मैंने कहा चलो आराम से जाएंगे, आराम से आएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं कहीं की कुछ नहीं। और अभी सबसे मेन काम सभी को पता होगा है ना, जब लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं तो फ्यूल सबसे पहले डालते हैं मेरा भाई, बाकी चीज़ें बाद में। और मैं अभी जा रहा हूँ लाडपुर वाले रास्ते से, लाडपुर से होके आईटी पार्क से होके मसूरी वाले रूट पे ऐसे करके जाएंगे, फिर उसके बाद गूगल मैप भी खोलेंगे, जहाँ तक का रास्ता पता है मसूरी, मैंने सुना है मसूरी साइड का रास्ता है, उधर से कहीं कटते हैं बीच से, अब मुझे नहीं पता कहाँ से कटते हैं, वो हम गूगल मैप में देखेंगे। तो लेट्स गो। सो भाई पहुँच चुका हूँ मैं आईटी पार्क, वहाँ पे हमने भराया था तेल और थोड़ा सा हवा, हवा में भरता हूँ आगे वाले टायर में 28 या 30 और पीछे में 36 फॉर गुड माइलेज, क्योंकि लॉन्ग जाना है और हवा मेरे से बहुत कम थी यार, आगे वाले में तो शायद 18 या 20 थी, पीछे का वो शो नहीं हुआ। तो अभी तो भरा दिए, अभी निकल रहे हैं आराम से आगे जाके, थोड़ा जहाँ पे क्या कहते हैं उसको चौकी है, उधर से गूगल मैप भी लगा देंगे एक बार को कि किधर को जा रहा है रास्ता, यहाँ से तो क्योंकि सीधी सीधी रोड है यहाँ से तो पता ही है। तो लेट्स गो। तो भाई अभी लगाया हमने गूगल मैप, मेरे फ़ोन में तो लग नहीं रहा, तो पीछे भाई बैठा हुआ उसके फ़ोन पे लगवाया, और अब जा रहे हैं सीधे सीधे। और हम लोग जा रहे हैं ओल्ड मसूरी वाली रोड से, दो रास्ते हैं, राजपुर रोड से जा सकते हो आप जो न्यू मसूरी रोड है, और एक ये है जहाँ से हम जा रहे हैं ओल्ड मसूरी रोड। तो अपने सस्पेंस को करते हैं ख़त्म और बताते हैं आप लोगों को कि हम लोग जा रहे हैं देवलसारी टेम्पल, जो कि पड़ता है टिहरी रीजन में। शिट, अबे यार निकल गया उसका। अभी ये गाड़ी अचानक बंद हो गई थी, मेरे तो आफत आ गई थी, मैंने कहा ये क्या हो गया,
लेकिन पता नहीं क्यों हो गई थी, अचानक से बंद हुई थी, फिर तुरंत स्टार्ट हो गई। मुझे लगा वो वायर फिर निकल गई। मैं तो रिंकू भाई को सुनाने वाला था, बहुत भयंकर। यहाँ से देखियो एक बार, सीधा भी जाते हैं ना क्योंकि, तो वैसे तो मे भी पर ही जाएंगे, कंफर्म कर लेते हैं। फिर आगे जाते हैं, इस रोड पे जाके कहीं पे रुकते हैं थोड़ा देर, ठंडा होने देते हैं इसको। तो ये देखो यहाँ पे ये NGO वाले हैं, छकपक कूड़ा कचरा उठा दिया है ना, बहुत बढ़िया यार, बहुत सही काम है यार ये। और ये जो फैलाते हैं ना, क्या बोले उनको, है नहीं, बोलते बोलते थक जाते हैं। अब तुम बोलोगे भाई तू भी ऐसी करता है। गाइस अभी परसों जो स्प्राइट पी थी ना मैंने लास्ट ब्लॉग में, वो भी अभी मेरे डिग्गी के अंदर पड़ी होगी वो बोतल, पता नहीं है तुम्हें, स्वच्छ भारत अभियान का वो हूँ मैं देवता। वेलकम दोस्तों। तो भाई अभी पहुंच चुके हैं हम शिव मंदिर मसूरी, जय भोलेनाथ। और यहाँ पे हैं साइकिलिस्ट। हेलो गाइस, क्या इसीलिए मैं साइकिलिंग करता हूँ, साइकिलिंग करने का ना अलग ही फील होता है यार। बस बात इतना है, अपना ग्रुप थोड़ा बड़ा नहीं है, होगा होगा वो भी एक दिन हो जाएगा बड़ा, और जिस दिन होगा ना उस दिन देखना फिर तुम, जलवा होगा। सो भाई हमने लिया था यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, और ये रहा प्रियांशु जो कि आज अपने साथ है, अपना पार्टनर। और ये रही भोले की नगरी, देख रहे हो सामने, हाय हाय क्या व्यू है। कल मंडे है, कल आऊँ क्या इधर? कल मेरी छुट्टी है। तब आ सकता मैं। लेकिन बहुत भीड़ होगी यार, और देख रहे हो ओ नीचे देखो देहरादून। आओ जी पहुंच चुके हैं मसूरी टोल पे। आज मैं तुम्हें टोल से बचने की निंजा टेक्निक दिखाता हूँ, ठीक है? जो भी मसूरी आएगा ये वाली निंजा टेक्निक अप्लाई करना गाइज, ठीक है? कितना भैया? क्या हो गया भाई, तुम वेट कर रहे थे क्या मैं कुछ जादुई मंत्र बोलूंगा? टोल दो चुपचाप फिर जाओ आगे, पागल कहीं के वेट कर रहे हैं कि मैं क्या करूंगा अभी? बहुत तेज हो रहे हो। और अभी सीन बताऊं तुम्हें बढ़िया सा, इस रोड में ना तो आज ट्रैफिक दिख रहा है और ना ही आज सूर्य देवता का प्रकोप है, तो मजे ही मजे हैं। ये देखो जैसे मैं ये क्रॉस करूंगा इसके बाद तुम्हें एक प्यारा सा व्यू दिखाता हूँ। आज के ब्लॉग में तुम्हें व्यू व्यू ही व्यू दिखेंगे भाई, और ज्यादा कुछ नहीं। यो देखो है ना कुछ है ना कुछ कड़ी सी जगह, कड़ी नहीं बहुत कड़ी जगह है। ओ देखो भाई साहब, गोप्रो में तो इतना खास दिखेगा नहीं, दिख रहा लास्ट तक, बट अपनी नग्न ही आंखों से हम बहुत खतरनाक देख रहे हैं। चलो ऐसी बीच बीच में व्यू दिखाते रहूंगा, पर मैक्सिमम आज तो तुम्हें व्यू दिखेंगे। तुम भी बोलोगे भाई साहब, पहले तो तुम ये बोलोगे वाह यार क्या जगह लेके गए हो भैया जी, बहुत मजा आ गया। तो अभी चलते हैं फूंक करके। तो भाई अभी हम आ चुके हैं मसूरी वाली रोड पे काफ़ी आगे, मतलब टोल वगैरह सब काट के, वो तो तुमने पीछे देख ही लिया था। और यहाँ ऊपर लगा है कोहरा भाई, क्या मज़ा आ रहा। यहाँ मौसम एकदम ठंडा ठंडा है भाई, मतलब एक वो क्या कहते हैं उसको, उमस या वो नहीं हो रही बिल्कुल भी, एकदम ठंडा मौसम है। मतलब मैं हाफ पहन के आ रहा था तो ठंड लग रही, लगा लो, पर मज़ा आ रहा भयंकर। ऐसा ही मौसम रहे ना पूरे दिन भर, बारिश भी ना हो और धूप भी ना आए। ऊपर बारिश हो रही हो यार। हाँ ये देखो सामने देखो, कोहरा कोहरा लगा हुआ। तो अभी हम आ चुके हैं काफ़ी आगे भाई, ये गूगल मैप इतना निखट है ना भाई साहब, इसने हमें पता नहीं कहाँ कहाँ के रास्ता दिखा रहा था, रास्ता आगे जाके एंड, और जहाँ पे टर्न आ रहे ना दो तीन, वहाँ पे ये गोल गोल घूम रहा पागलों की तरह। मैंने कहा वहीं इसके यहाँ किससे, अच्छा तो मैं किसी से पूछ ही लूँ। फिर किसी से वापस आए, फिर वहाँ से पूछा, फिर उन भाई ने बताया इस रोड पर सीधा निकल लो, तब जाके हम इस रोड पर आए भाई साहब। और ये एकदम बीच जंगल के बीचों बीच चल रहे, उधर देख रहे हो मौसम, हमारे जस्ट आगे कोहरा है बस, वो दिख नहीं रहा वो अलग बात है, लेकिन है। इस रोड पे आके ना एकदम वो वाले फील आ रही, जब मैं तुंगना जा रहा था ना चोपता, तो वहाँ पे बीच बीच में कहीं पे ये वाले सेम सीन, तो वो वाली फीलिंग आ रही, ऐसा लग रहा है जैसे चोपता ही जा रहा हूँ, क्योंकि ठंड भी उसी लेवल की हो रही।
और अभी निकल रहे हैं मस्त करके। ए भैंस ये देखो, आप सामने देखो पहाड़ देखो और उधर देखो, है ना सीन। चलो भाई अब निकल रहे हैं फटाफट। अब मेरे को मेन दिक्कत इस चीज़ का नहीं है कि गूगल मैप अनसन दिखा रहा, साला दिक्कत इस चीज़ का एक तो हम जंगल वाले एरिया में जा रहे हैं ठीक है, ऊपर से वहाँ पेट्रोल पंप नहीं रहता है, और ये अभी तक ये गूगल मैप जहाँ भी ले गया ना सारी एकदम खड़ी चढ़ाई खड़ी एकदम साला। और ये पेट्रोल देखो यहाँ कितना था स्टार्टिंग में देखना जरा, और अभी देखो कितना है। और अभी यहाँ से कम एक घंटे का रास्ता और मान के चल लो, एक डेढ़ घंटे का रास्ता। लेट्स गो। तो गाइज मैं यहाँ पे अभी आपको व्यू दिखाने के लिए रुका था, और यहाँ पे ये देखो ये जा रहा है ना, ये एक ट्रैक जा रहा है यहाँ पे से, ये भाई इतना सा ट्रैक है ना, इसको देख के ऐसा मन कर रहा साइकिल पे लेनी थी वहां से, कुछ भी पेल जाना था। मजा आ जाता कसम से, वो पूरा जा रहा है एकदम सीधा बादलों के कोहरे के अंदर, और वो नीचे घर भी है भाई, अलग ही लेवल के वाइब है यार इधर तो। सो गाइज अभी हम काफी आगे आए और यहाँ पे हमें मिल गया एक पेट्रोल पंप, तो मैंने भाई रिफ्यूल करा दिया। मैंने कहा भाई गूगल मैप ने इतना नचा दिया था ना कसम से, एक बार को ऐसा हो गया था मैं घर जा रहा हाँ, फिर उसके बाद मैंने कहा चलो कोई नहीं। जब वो भैया ने रास्ता बताया, और अभी यहाँ पे भैया से पूछा हमने, तो इनने कहा कि धनौल्टी होगा यहाँ से 15-20 किलोमीटर आगे, इसी रूट पे है, मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा है इस रूट पे, और देवल सारी है 30-40 किलोमीटर तो होगा कि। मैंने कहा ओके भैया जी, और साथ ही साथ अपना चैनल भी सब्सक्राइब करा दिया, और अगर भैया जी आप ब्लॉग देख रहे हो तो थैंक यू। और यहाँ पे हमें दो भाई लोग मिले हैं जो कि पंजाब से आए हैं और अभी जा रहे हैं टीरी डैम। मनदीप सनम कटारिया, अच्छा ओके ओके ठीक है जी। हाँ कॉलेज हो गया मेरा, तो अभी थोड़ा यूट्यूब पे भी ब्लॉगिंग वगैरह करता हूँ। मैं रुद्रप्रयाग से हूँ और रहता इधर देहरादून में हूँ अभी। हाँ हाँ रुद्रप्रयाग में, उधर केदारनाथ घाटी की तरफ रहता हूँ। थैंक यू आपसे भी, राहुल राणा ब्लॉग्स। तो भाई अभी साथ में भाई लोग भी मिल गए थे नॉर्मली, मतलब इनने पूछा कि भाई ये क्या चीज़ है जो गोप्रो मैंने लगा रखा है, तो भाई इनको बताया कि गोप्रो है, यूट्यूब वगैरह करता हूँ व्लॉगिंग वगैरह, तो सारा एडिट वेडिट करके व्लॉग बना के डालते हैं। भाई जी लोग गाना गाते हुए चल रहे हैं मस्त, एकदम फुल मजा ले रहे हैं जिंदगी के, ऐसे ही होने चाहिए यार, यारी दोस्ती ना अलग ही लेवल की होती है यार, जब ऐसा करते हैं ना मजा आता है ये चीज़ करने में। देखो दो दोस्त निकल रखे हैं आराम से, एक भाई वो कह रहे थे एक जॉब करते हैं, और दूसरा भाई इलेक्ट्रॉनिक का ऐसे कुछ बताया था, एक तो सुनाई नहीं दे रहा था मुझे ढंग से। चलो कोई नहीं और सामने मौसम देखो। सो गाइस अभी हम सीधे सीधे निकल रहे थे, और हम निकल गए थे धनौल्टी वाली रोड पे, जो कि हमें नहीं जाना था, हमें कहीं से मुड़ना था, लेकिन यहाँ पर बोल्ट वगैरह कुछ लगा ही नहीं रखे तो पता ही नहीं चला। सो गाइस अभी हम लगभग से ऑलमोस्ट 15-20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले गए होंगे आगे पेट्रोल की के बारे में बहुत और उसके बाद फिर अब वापस आए भैया, जो मैंने बताया था भैया को पूछा था तो भैया ने बताया, और अब ये इस रूट पे जा रहे हैं, कह रहे हैं रास्ता थोड़ा कच्चा पक्का है, और एक जगह बताई थी धतियुड़ बोला ना, तो एक जगह बताइए धतियुड़, वहाँ पे जाके एक बार तुम पता कर लेना क्योंकि रास्ता थोड़ा इधर उधर है कि कहीं। मैंने कहा ओके भैया जी पता करते हैं। सो यहाँ पे हमने लिया एक छोटा सा ब्रेक, तब से गाड़ी चला चला के थकान सी लग गई, आए आए। और वो देखो वहाँ और ये देखो यहाँ एक चीज दिखाऊं मैं तुम्हें, आज तो एक तो मैंने गिफ्ट वाली टी शर्ट पहन के ठीक है, ऊपर से ये देखो ये कवर भी लगा दिया मैंने, और बताओ, और सामने देखो व्यू। अब मैं तुम्हें यहीं पे दिखा रहा हूं, अब इसके बाद हम सीधा मिलेंगे देवलसारी के पार्किंग पे ओके। ये बिहाइंड द सीन नहीं दिखा देना, वो सीधा रास्ता और डेस्टिनेशन खत्म। सो गाइस अपनी गाड़ी खड़ी करके अब ट्रैक स्टार्ट कर लिया, ज़्यादा नहीं है मे बी थोड़ा बहुत होगा एक डेढ़ किलोमीटर का, और पीछे से अपने साथ चार भाई लोग और जुड़ गए, पहले दो जुड़े थे वो चले गए टिहरी झील, और उसके बाद
चार भाई लोग और आगे, तो अभी निकल रहे हैं। रास्ता दिखाऊं तुम्हें, ये देखो गाइस, अपना हो चुका है ट्रैक स्टार्ट एकदम कैड़ा वाला। तो सीन को जैसे मैं तुम्हें सिनेमैटिक दिखाऊंगा, बट पहले बातें करेंगे, उसके बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब। मतलब ऐसे नहीं करूंगा कि बात कर रहा फिर सिनेमैटिक, फिर बात कर रहा फिर सारा एक साथ दिखाऊंगा, चाहे फिर वो एक मिनट का सिनेमैटिक हो चाहे दस सेकंड का हो, सिनेमैटिक होगा। लेकिन यस लेट्स गो। ये देखो कैमरामैन प्रियांशु के साथ राहुल राणा आपका ब्लॉगर। घर से हम दोनों के दोनों भूखे निकले हुए यार, मेन था डेस्टिनेशन पर पहुँचने का, तो मैंने सोचा तब खाएंगे, लेकिन साला रास्ता इतना घटिया, गूगल मैप इतना सुअर कि क्या बताएं, इसलिए मैंने कहा छोड़ो एक बार पहुंचने दो, उसके बाद ही देखेंगे। अब वापस जाते हुए देखेंगे, आराम से खाएंगे। मेरे को डांट रहा था कि तू मैप से गलत देखा है। बस गाइस 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 भाई, फाइनली वी आर, मेरे सामने है मंदिर, और दिखाओ तुम्हें एक झलक, कसम से दिखा दूं। लाइक करो, लाइक करो, जल्दी जल्दी लाइक करो। अब शेयर चलो लास्ट में करना, सब्सक्राइब करो, और अब देखो तुम इतना कर दे तो कमेंट भी करो। अब देखो तुम ये पेड़ और ये बात, अब यहां से तुम्हें सिनेमैटिक दिखाऊंगा, ठीक है, ज्यादा नहीं। सो गाइज होप यू एंजॉय द सिनेमैटिक शॉट, और अभी निकलते हैं अब अपने अपने घर को, आराम से जाएंगे और यहाँ से करते हैं दूसरा ब्लॉग स्टार्ट। थोड़ा दो पाँच मिनट रुकते हैं, उसके बाद जाते हैं। और ये जो है मंदिर, ये है भोलेनाथ जी का, जो कि मतलब कुछ ओकेजन पे खुलता है, ऐसे नहीं खुला रहता, वैसे बंद ही रहता है। अभी तक हमने जितने बार भी देखा, देख रहे होंगे पीछे, तो हर टाइम मतलब मैक्सिमम बंद ही रहता है ये। भाई यहाँ से जाते जाते मेरे को एक चीज़ दिखी है, पता नहीं क्या भला है ये, मतलब सबने सिक्के लगा रखे इस पेड़ पे, और ये चार भाइयों ने और लगा दी। ये देखो वो देखो, चार चांद लगा दिए चार भाइयों ने। चलो भाई, सो गाइज होप यू एंजॉय दिस ब्लॉग। तो अगर ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो भाई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट कर देना भर भर के। और अभी इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड, और नेक्स्ट ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।